साइड से स्लिट वाली बनाऊंगी, साइड से ओपन वाली बनाऊंगी और इसमें हम बेल स्लीव्स भी बनाएंगे। यह मेरे पास लीलन फैब्रिक है, रेयोन फैब्रिक भी बोलते हैं लोग उसको कहीं, उस तरह का फैब्रिक है और उस पर एक गोल्डन छपाई है, तो यह एक हैवी लुक दे रही है लेकिन यह पहनने में हैवी नहीं होगी। तो आप इसको एक तरह से पार्टी वेयर ड्रेस भी बना सकते हैं, जो कि लो बजट पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं उस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइड स्लिट बेल स्लीव्स अनारकली कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है, 44 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। सबसे पहले हम इस कपड़े में से चोली निकालेंगे। तो हमारा जो प्रिंट है कुछ इस तरह से है, खड़ा खड़ा तो हमें प्रिंट का ध्यान रखते हुए इसकी कटिंग करनी होगी। तो हमारी जो चोली की लंबाई है वह है 14 इंच, तो इसमें हम 1 इंच सिलाई का और रखकर 15 इंच ले लेंगे और इस कपड़े को हम यहाँ से डबल कर लेंगे। तो मैं यह 16 इंच करके कपड़ा निकाल रही हूँ क्योंकि यह कपड़ा हमारा थोड़ा सा स्लिपरी है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसलिए हम इसको 1 इंच ज़्यादा ही ले लेंगे। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट हुआ, इसको हम यहाँ से बीच में से भी 2 पीस में कट कर लेंगे क्योंकि प्रिंट के लिए हमें ऐसा करना होगा। अब हम इस पर अपनी चोली बनकर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें चोली की चौड़ाई निकालनी होगी। तो चोली की चौड़ाई निकालने के लिए हमें लेना होगा सीने का 4/4 प्लस 2 इंच। तो सीने का नाप हमारे पास से 38 इंच, 38 इंच तो उसका 4/4 आएगा 9.5 और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। तो हमें यह 11.5 इंच लेकर डबल करनी होगी। मैं सिलाई और मार्जिन दोनों का साथ में ही ले लेती हूँ तो इसलिए मैं इसको 2 इंच प्लस कर लेती हूँ। इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे और ये हमें इसके साथ मिलेगा। बस हमें प्रिंट का ख्याल रखना है इसलिए हमने इसको अलग अलग किया था। अब हम इस पर अपनी चोली ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे तख्ती का आधा, तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर होता है। इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। तख्ती के नाप से आपकी कुर्ती का गला जो है वो बिल्कुल भी लूज नहीं होता है। तो हमारे पास तख्ती का नाप है वह है 13 इंच, तो उसका आधा आएगा 6.5, 13 है तो उसका हाफ हमारा 6.5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसे 13 लेंगे, उस पर ऐसे हाफ इसको इंच टेप को डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारा ये हाफ आ जाएगा। अब हम आर्म होल, मेरा स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है तो मैं वह ले लूँगी और यहाँ से हम लेंगे सीने का 4/4 प्लस 2 इंच। सीने का नाप 38 है तो आप 38 पे इंच टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए, फिर आप 4 बार फोल्ड कर लिए तो आपका 4/4 हिस्सा आसानी से निकल आता है। तो आपका जो भी सीने का नाप आए आप उसका इस तरह से 4/4 हिस्सा निकाल सकते हैं। 40 हो, 42 है, 43, जो भी आपका नाप है उसमें आप इस तरह से निकाल सकते हैं और उसमें फिर आप प्लस 2 इंच कर लीजिए। सिलाई और मार्जिन का यह 2 इंच प्लस करके आप यहाँ से अपने नाप लगा लीजिए। तो हम यहाँ से लेंगे 11.5 इंच। अब हम कमर के यहाँ, ये हमारी लेंथ इक्वल है तो अब हम यहाँ पर हमारी कमर का मार्क लगाएंगे। कमर गोलाई हमारी है 34 इंच, 34 इंच तो उसका 4/4 हिस्सा आएगा 8.5 और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। अब 10.5 हमारा यहाँ आएगा। अब हम इसमें 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम इसमें टक्स देकर उससे फिटिंग का शेप देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ से हम ले लेंगे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा और उसको हम ये कर्व स्केल से यहाँ से मिला लेंगे। कर्व स्केल से मिलाने का रीज़न ये है हमारा क्योंकि देखिए सीने का नाप हमारा इस जगह पर आता है, जस्ट आर्म होल के नीचे नहीं आता है, तो यहाँ पर हम कर्व स्केल मिलाएंगे तो इस जगह पर आपका सीने के जो मार्क है वो टाइट नहीं होगा। आपका कुर्ती कई बार सीने के यहाँ से टाइट होती है तो उसका रीज़न यही होता है कि वो स्लांट मिलती है, इस तरह से तिरछी मिलती है देखिए, तो ये आपका इतना कम हो जाता है। इसलिए आप कर्व स्केल से मिलाइए तो आपकी फिटिंग सही आएगी। अब हमने तख्ती का निशान लगाया था इसलिए हम 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको हम यहाँ पर एकदम इसी पॉइंट पर स्लांट तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, अब हम इस कॉर्नर से 1.5 इंच लेंगे और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ से इस लाइन पर होते हुए अंदर वाले लाइन पर मिला लेंगे। अब हम इससे 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे, अब यहां से हम ये वाले मार्क पर होते हुए बाहर वाले लाइन पर मिल जाएंगे।
नेक की कटिंग आप चाहे तो कैनवास पर कर सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट इस पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस पर डायरेक्ट ही कटिंग करूंगी। तो मैं यहाँ से अपने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लूंगी और पीछे का नेक हम 3.5 इंच बनाएंगे। तो हम यहाँ से 3.5 इंच डीप ले लेंगे और आगे का नेक हम 7 इंच बनाएंगे। तो हम यहाँ से 7 इंच ले लेंगे और गोल गला बना रही हूँ मैं, तो गोल शेप लगा लेंगे। अब हम ये पीछे वाले नेक की और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट हटा लेंगे और आगे वाला आर्म होल और आगे वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट में से हम अपनी स्लीव्स बना लेंगे। इसकी चौड़ाई निकालने का तरीका हमारा रहता है सीने का चौथा हिस्सा। तो सीने का नाप हमारा है 38 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 9.5 इंच। और स्लीव्स की कटिंग करते हुए आप ख्याल रखिए कि आपका ये पार्ट अगर सीधा है तो आपका ये पार्ट भी सीधा ही होना चाहिए। और प्रिंट का भी ख्याल रखिए, आपका सीधा सीधा अंदर होना चाहिए या उल्टा उल्टा अंदर होना चाहिए, एक सीधा या एक उल्टा अंदर नहीं होना चाहिए, वरना आपकी स्लीव्स गलत कट जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई सीने का चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो 9.5 इंच हमारी स्लीव्स की चौड़ाई रहेगी। तो ये एग्जैक्ट हमारी 9.5 इंच है। अब हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की लंबाई 11 इंच लेंगे, क्योंकि हम इसमें बेल लगा रहे हैं नीचे। तो हम 10 इंच तक कोहनी तक लेंगे और कोहनी के बाद हमारा बेल लगेगा। तो हम यहाँ से 10 इंच ले लें और 1 इंच सिलाई का लेकर 11 इंच ले लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको सीधा मिलाकर यहाँ से इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स, दोनों मेथड से आप अपनी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। कर्व स्केल से मैंने बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है, तो वह वीडियो देखकर आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अब हम हमारी ये चोली यहाँ पर रख लेंगे और हम अपनी इसकी लंबाई लेंगे कुर्ती की। तो हमारी जो चोली की लंबाई, कुर्ती की लंबाई है वह है 44 इंच। अब हम जो ये हमारा बचा कपड़ा है इसको ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हम 2 पीस में कट कर लेंगे, क्योंकि प्रिंट की वजह से हमें हर बार 20 पीस में से कट करना होगा। अब हम इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों पीसेस को और प्रिंट का ध्यान रखते हुए। अब हम अपनी चोली को इसके पास यहाँ पर ओवरलेप करके रख देंगे और अपनी टोटल लंबाई हम ले लेंगे। तो इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे चोली के ऊपर से और अपनी टोटल लंबाई, हमारी टोटल लंबाई 45 इंच है, तो हम 46.5 लेंगे, 46.5 इंच हम लेंगे। तो हम यहाँ से ये 46.5 लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम ये जो हमने चोली वाला पार्ट लिया है इसके बराबर लेंगे। यह हमारा 11 इंच आ रहा है तो हम ये 11 इंच पे ले लेंगे और यहां से हम ये जो हमारा नाप है 30.5, यहां से भी हम 30.5 पे मिला लेंगे। और आप 29 पर ही मिला लीजिए, क्योंकि कॉर्नर्स काफी नीचे की तरफ लटकते हैं। तो हम इसको जो ये नाप हमारा लंबाई आ रही है उससे 1 इंच या 1.5 इंच कम ले लेंगे। तो ये हम 29.5 पे ले लेंगे और हम इसको धीरे धीरे ऐसे गोलाई में लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब हम 29 से 29.5 पे आ जाएंगे, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे और फिर हम हमारी जो नापे एग्जैक्ट उस पर आ जाएंगे। और इस जगह से इस जगह तक इसको स्लांट तिरछा मिला लेंगे। और इसमें हम ये जो हमारी चोली के साइड से बचा है सीधा कपड़ा, सीधी फ्रिल टाइप बेल बना लेंगे। ये हमारा कपड़ा है इस तरह से, देखिए ये इस वाले से ज्यादा है, तो हमें थोड़ी थोड़ी फ्रिल आएगी और उसे ही देते हुए हम इसे फ्रिल लगा लेंगे। इस तरह से हम इसमें गैदर दे देंगे। तो इस तरह से हमारी यह अनारकली कुर्ती की कटिंग होती है, जिसमें कि हम साइड में स्लिट रखेंगे और बेल स्लीव्स बनाएंगे। अब हम ये चोली की स्टिचिंग करेंगे, तो इसमें मैं पीछे वाले नेक में थोड़ा पैटर्न चेंज कर रही हूँ। हम इस नेक को डीप करेंगे, तो
तो मैंने ये पहले छोटा नेक कटिंग किया था, अब हम इसको बड़ा नेक कटिंग करेंगे। तो मैं इसको 9.5 इंच अपने नेक की डीपनेस रखूंगी, 9.5 इंच। चौड़ाई हमारी यही रहेगी। यहाँ से हम एक सीधा मार्क लगाएंगे और इस तरफ से हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा तिरछा लगा लेंगे मार्क। वह हम डिज़ाइन करने की वजह से कर रहे हैं। हल्का सा हमें ज़्यादा लेना है, 1/2 इंच करीब। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये 2.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और उसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। चूँकि मैं नेक की कटिंग करके ही बनाती हूँ, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बैक नेक में हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके तीरे वगैरह में अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि मैं जो डिज़ाइन कर रही हूँ उससे हमारा गला बिल्कुल गिरेगा नहीं, इसलिए हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये एक कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा, इसको हम सीधा रखेंगे और इसके नीचे हम ये एक कैनवास लेकर उसे रख लेंगे। मैं पेपर कैनवास का इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसे यहाँ रखेंगे और इस पर हम अपने इस नेक को उल्टा रखेंगे। जो हमारा चोली वाला पार्ट है इसको हम उल्टा रखेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वह हम सीधा रखा है हमने। और मैं इस पर पिन लगा लूँगी और कपड़े को सेट कर लूँगी। अब हम यहाँ पर 1 फुट की सिलाई लगा लेंगे। हमें इसके बराबर इस कपड़े को रखेंगे, तो इसको 1 फुट की सिलाई बोलते हैं। कॉर्नर पर आकर हम सुई को अंदर रखेंगे और फुट उठाकर टर्न कर लेंगे। हर कॉर्नर पर आपको ऐसा ही करना है, सुई को अंदर रखना है, फुट उठाना है और टर्न करना है। इससे आपके कॉर्नर बड़े शार्प बनेंगे। अब हम ये जो कपड़ा है इसके बराबर अंदर वाले कपड़े और कैनवास की कटिंग कर लेंगे। इसको हम इस तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम 1-1 इंच का मार्क लगा देंगे कैनवास के ऊपर। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कैनवास को उठाकर जो हमने मार्क लगाया उसकी कटिंग कर लेंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि सिर्फ और सिर्फ कैनवास की कटिंग होना चाहिए। अब हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी इस कैनवास से थोड़ी बाहर बाहर कटिंग करेंगे। ध्यान रखें आपका ये नीचे वाला मैन फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। अब हम इस कैनवास के ऊपर इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा वाले को और सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हम सिलाई के पास तक कट्स लगा देंगे पूरे नेक पर। अब हम इस वाले कपड़े को इस तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे इसको सेट करने के लिए। अब हम ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, ये हम दोनों डबल पीस में लेंगे। इस ये हमारे 4 पीसेज हैं। अब हम इनसे डिज़ाइन करेंगे नेक पर। तो हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ से लंबाई में भी हम इसे 3.5 इंच लेंगे। और ये 3 इंच हमने लिया है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ये हमारा 3.5 इंच वाला मार्क है। यहाँ से हम इनको तिरछा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम 2 पीस को लेंगे और फिर 2 पीस को अलग अलग लेंगे और हम यहाँ से इनको यहाँ तक सिल लेंगे। दोनों पीसेस को ट्रायंगल्स बनाकर डिजाइन लगाएंगे। पूरा इस तरह से निकल जाएंगे, फिर आप वापस यहां से स्टार्ट कीजिए तो इससे आपका कॉर्नर अच्छा सा बन जाएगा। और हम ये जगह पर ऐसे कट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई वाला कॉर्नर नहीं कट होना चाहिए। यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और कॉर्नर के लिए आप किसी की मदद से इन्हें कॉर्नर्स को निकालिए, स्क्रू ड्राइवर, बड़ी सुई या किसी की भी मदद से आप इन्हें इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लीजिए दोनों को। अब हम इनके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के पर्पज से। अब हम इन्हें
ये जो हमारा नेक है यहाँ पर इन्हें लगाएंगे। ये पोर्शन हमारा इस तरह से रहेगा और ये वाला पोर्शन हमारा इस तरह से रहेगा। तो पहले आप खाली सेट करके देखिए, यहाँ से आप डिस्टेंस देख लीजिए कि आपको कितनी दूरी पे लगाना है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये डिज़ाइन देने के लिए हमने इस तरह से इसको किया है। तो मैं यहाँ से बस ये आधा इंच का डिस्टेंस लेकर एक टेलर चौक से मार्क कर दूंगी। इसी तरह से हम इस तरफ भी कर लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे कि यहाँ पर भी ये नेक का शेप आए हमारा और इक्वल आए दोनों, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बने आपका। तो आप इसे रखिए कि इसी तरह से आपको रखना है। ये देखिए, तो आप पहले यहाँ पर पिन लगा लीजिए और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे होते हुए सिलाई लगा लेंगे और अब हम इन दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर रख कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इनको आपस में जॉइन करने के लिए। और आप चाहे तो यहाँ पर कोई डोरी लगा सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर टसल का भी डिज़ाइन लगा सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर है। और अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पर इनको आपस में सिल लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये पीछे का नेक इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा और ये हमने आगे का नेक भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर्स को आपस में जॉइन कर लेंगे और इसमें हम जो टक्स लगाएंगे, टक्स की डिस्टेंस हम यहाँ से पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहाँ से ये नेक के एकदम पास से, या आप यहाँ से 3.5 इंच डिस्टेंस लीजिए और 11.5 इंच से हम टक्स लगाएंगे। हम टक्स छोटे ही लगाएंगे और इसको हम ऐसे एक दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है कि हम ऐसे टक्स पकड़े तो हमें ये दिखाई दे कि हमें कहाँ तक टक्स डालना है और हम यहाँ से 1/2 इंच का ही टक्स लगाएंगे। टक्स से आपकी कुर्ती में एक शेप आ जाता है और वह अच्छी दिखाई देती है। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसमें टक्स दे देंगे। पीछे की टक्स भी हम डिस्टेंस हमारी यही रहेगी, बस चीज पीछे की टक्स हम यहाँ से 10 इंच पर लगा लेंगे और टक्स भरने का मेथड हमारा सेम होगा। इसी तरह से हमने ये स्लीव्स पर भी नीचे फ्रिल लगा ली है, यह बिल्कुल सिंपल सी फ्रिल है और अब हम इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम इन वाले पार्ट्स को इसके साथ यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें फिटिंग दे लेंगे। अब हमने ये शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं और स्लीव्स भी जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये नीचे वाले घेरे को जॉइंट किया है। तो हमने जो देखिए यहाँ पर ये टक से यहाँ पर हमने ये छोटे छोटे प्लेट्स दिए हैं, बिल्कुल छोटे से हमने दिए हैं। इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पे जो टक्स दिए हैं तो उससे ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो उस तरह से हम यहाँ पे प्लेट्स देंगे तो ये यहाँ पर हमारा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। आगे भी हमने इसी तरह से टक्स के यहाँ पर ही प्लेट्स दे दिए हैं। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो हम यहाँ से लगाएंगे पहले स्लीव्स गुलाई का हाफ। स्लीव गुलाई हमारी 11 इंच है तो उसका आधा हमारा 5.5 इंच आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और कम्फर्टेबल है तो आप इसको थोड़ा 6.25 इंच तक रख लीजिए। और यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्रिल वाला पार्ट है, हम यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ हम इस तरह से इसे सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको इसी तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। गला बनाने के लिए और स्लीव्स जोड़ने के लिए आप मेरी हाउ टू मेक कुर्ता नेक और हाउ टू इस चीज कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने किस तरह से आप स्लीव्स वगैरह ज्वाइन करें ये बताया है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे। ये हमारा सीने के यहाँ वाला नाप है और ये हमारी कमर के यहाँ पे नाप है। तो सीने के यहाँ हमारा सीने का नाप 38 था तो उसका 1/4 हमने करेंगे तो 9.5 आएगा, उसका चौथा हिस्सा 9.5 आएगा और उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 10 इंच लेंगे। फिटिंग देने के लिए हम 1/2 इंच ही प्लस करते हैं, कटिंग करने के लिए हमने 2 इंच प्लस किया था। अब हमारे यहाँ पर कमर का नाप है 34, 34 इंच तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 8.5 और उसमें हम 4.5 इंच प्लस कर देंगे तो 9.25 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। और अब हम यहाँ से ये कर्व स्केल से ही यहाँ पर मार्क लगाएंगे जैसा कि हमने कटिंग करते वक्त लगाए थे। तो इन मार्क्स को आप इस तरह से मिला दीजिए। इसके बाद हम ये जो हमारे शोल्डर वाला जॉइंट है यहाँ से हम हिप लेंथ 21 इंच रख लेंगे और यहाँ तक हम इसको
सिलेंगे, बाकी हम साइड में स्लिट रखेंगे इस एक लाइन कुर्ती में, तो इसको हम खुला रखेंगे। हिप लेंथ की यहाँ तक आप सिलाई लगा लीजिए तो वह आपकी सही परफेक्ट सिलाई आ जाएगी। आप नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि हम स्लिट्स को ओपन कहाँ से रखें। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से इसी मार्क पे मिला देंगे, और अब हम यहाँ से ये हमारा स्लीव्स वाला मार्क है तो यहाँ पर इसको इस तरह से मिला लेंगे, और इन पर हम इसी तरह से हम उस तरफ भी ट्रेस कर लेंगे, या आप इसको टर्न करके आप यहाँ पर इसको इस तरह से टर्न करके भी आप यहाँ पर सही से रखिए और फिर इस पर ट्रेस कर लीजिए। ये देखिए ये हमारे मार्क इस तरफ भी आ जाते हैं, और हम इन पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। और साइड के स्लिट्स फोल्ड करने के लिए आप यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद आप इनको प्रेस करिए, तो इनको फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको पहले प्रेस कर लीजिए इस तरह से दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद आप इन्हें फोल्ड करिए, तो यह आपके इजीली फोल्ड हो जाएंगे, और इस तरह से हमारी यह कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमारी यह कुर्ती बनकर कंप्लीट है। इसकी स्लीव्स में देखिए हमने इस तरह से फ्रिल लगाई है, और इसके साइड के स्लिट्स भी खुले रखे हैं हमने, ये देखिए इस तरह से, और यह एक अच्छी सी कुर्ती बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। और हमारी कुर्ती का बैक नेक कुछ इस तरह से बनकर तैयार है। यह जिन लोगों को डीप नेक पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारी यह कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।